हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रेल गुरु शांत। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। दोस्तों, उसके बाद रेलवे की तरफ से अपडेट आया है कि नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के बाद उन्होंने सभी यात्री ट्रेनों को 3 मई तक रद्द करने का फैसला लिया है। इससे पहले दोस्तों, 21 दिन के लॉकडाउन के तहत रेलवे ने 14 अप्रैल तक सभी पैसेंजर ट्रेनें रद्द की थी। दोस्तों, 3 मई तक रद्द रहने वाली प्रीमियम ट्रेन्स, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स, कोलकाता मेट्रो आदि शामिल हैं। हालांकि इस दौरान मालगाड़ियों को छूट रहेगी, पहले की तरह मालगाड़ियां अब भी चलती रहेंगी। यहां पर दोस्तों, रेल मंत्रालय की ओर से ये बताया गया है कि लोगों के पहले से बुक की गई टिकटों के पूरे पैसे उन्हें वापस मिल जाएंगे। इसके साथ दोस्तों, अब टिकट की बुकिंग्स भी रेलवे ने बंद कर दी हैं। दोस्तों, रेलवे ने यहाँ पर बताया है कि 3 मई तक रद्द रहने वाली ट्रेनों के लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग में पूरा रिफंड मिलेगा, जबकि जिन लोगों ने काउंटर पर टिकट्स की बुकिंग की है उनको 31 जुलाई तक रिफंड मिल सकता है, या वो 31 जुलाई तक रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों, इस न्यूज़ सोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाके आप और जानकारी ले सकते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।